मंदसौर शहर में हो रही सड़कें खराब। श्रीकौल चौराहा पर कांग्रेस ने दिया तहसीलदार को ज्ञापन, दी चेतावनी, करेंगे मंदसौर बंद। शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा महुनी मच मार्ग की दुर्दशा को लेकर धरना संपन्न, दिया ज्ञापन। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार महुनी मच रोड की दुर्दशा एवं अवहेलना को लेकर श्रीकौल चौराहा पर धरने का आयोजन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री नवकृष्ण पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने बार बार टेंडर प्रक्रिया होने एवं निरस्त होने की राजनीति पर दुख प्रकट करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु सड़क निर्माण जल्द करने की मांग दोहराई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनप्रतिनिधियों ने सदैव क्षेत्र को छला है। भाजपा नेताओं को मंदसौर जिलेवासियों एवं नगर से विजय होने के बाद आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा वर्तमान में सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर वोट प्राप्त कर रही है। यह आम नागरिकों को विचार करना होगा कि उन्हें धर्म और कट्टरता की राजनीति चाहिए या फिर सेवा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की कटु आलोचना करते हुए महू नीमच मार्ग के जल्द निर्माण की मांग दोहराई, जिसमें निर्विकार रातड़िया, जगदीश पुछेरिया, कन्हैयालाल कुमावत, विजेश इंडियन, बाबू खान मेवाती, संजय जैन, विनोद शर्मा, राहुल अहिर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रीतिपाल सिंह राणा ने किया आभार। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने माना। तहसीलदार मुकेश सोनी को 12:45 पर ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर गौतम सिंह के नाम और मंदसौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नो कृष्ण पाटिल ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी कि 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं की गई तो मंदसौर बंद किया जाएगा। पहले अहमदाबाद के गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया था। बीपीएल चौराहा से लेकर काबरा पेट्रोल पंप तक पर किसी कारण खत्म हो गया, जिसके बाद 25 करोड़ के ठेके को 28 करोड़ का ठेका दिया जा रहा है और इस तरह जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये जो सड़क है मंडी रोड, और मंडी रोड का जो ठेका है दो बार हुआ है। एक साल पहले हमारा बीपीएल चौराहे से काबरा पेट्रोल पंप तक का ठेका हुआ था, और ये ठेका हुआ था अहमदाबाद की गुजरात की एक बड़ी कंपनी का ठेका हुआ था, और कंपनी को काम नहीं करने दिया, और उस कंपनी ने एसपी साहब के बंगले तक का कामीकरण किया और उसका पैसा पीडब्ल्यूडी ने नहीं दिया, और वो ठेकेदार मेरे पास आके रो दिया, और अंततः उसको अपना गिट्टी का क्रशर मशीन से लेकर डामर का जो प्लांट था सब लेके उसको जाना पड़ा, और वही परिणाम हुआ कि बाद में उसी चेहरे ठेकेदार को जो पिताजी है इनको ये ठेका दिया गया, और वहाँ से फिर ये डामरीकरण का कार्य हुआ। जो डामरीकरण सस्ते में हो रहा था वो फिर महंगे में हुआ, और अब फिर जो शेष जो था काबरा पेट्रोल पंप से वो बाईपास तक गिट्टी की सड़क बननी थी, गिट्टी सीमेंट की सड़क, और इसका इसके भी एक ठेकेदार जो मेरी जानकारी में शायद उनका नाम भी गुप्ता जी था इंदौर के, और टेंडर की प्रक्रिया हुई और टेंडर उनका कम था, इतना राजनीति का खेल हुआ और उसको इतना त्रस्त कर दिया कि वो वापस बेचारा काम करने से पहले ही भाग गया। अब मान लिया कि उसका टेंडर 25 करोड़ का हुआ था, तो अब ये टेंडर जा रहा है 28 करोड़ का, तो ये क्या खेल हो रहा है। तो लोग, और आप ये देखेंगे मंडी के 20 व्यापारियों ने मुझे ये कहा कि हमारी स्लिप डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो गई है, ये तो उन्होंने कहा, कितने किसानों की, कितने रात दिन लोग जाते हैं नीमच से, लोग आने वाले और जाने वाले उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए, इधर की जो कॉलोनियां हैं कितनी, आपने गांधीनगर से लेकर यश नगर से लेकर इन कॉलोनियां, और हम सबको कहीं ना कहीं काम से लेना पड़ता है, रात दिन लोग परेशान होते हैं, लेकिन बार कमीशन का खेल भारतीय जनता पार्टी ये काम हो रहा है, और आज कांग्रेस जन इस सड़क को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। अगर इसका कार्य 8-15 दिन में कोई निर्णय नहीं हुआ तो जरूरत पड़ी तो मंदसौर बंद का आयोजन भी हमको रखना पड़ा, तो हम मंदसौर बंद का आयोजन भी हम रखेंगे।